अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब? क्या आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त केक रस्क। आप देखें इतनी क्रिस्पी और क्रंची केक रस्क बने हैं, वो भी एयर फ्रायर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द रेसिपी। और यह यान खा के बता रहे थे आपको। यहाँ मैंने ले लिया एक कप शुगर, वनीला पाउडर, आप एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप फ्लावर मैंने ले लिया है और साथ में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और उसको मैं सेव कर लूँगी। यहाँ मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेती हूँ और इसमें शामिल कर देती हूँ 1/2 कप ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 eggs रूम टेम्परेचर, और येलो फूड कलर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप इस स्टेज पर वो ऐड करिएगा। मेरा पाउडर था तो मैंने पहले डाल दिया। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेते हैं, और अगर आप चाहें तो वेट इन्ग्रीडियंट्स को अलग से बीट करके दो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स में ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप मिल्क डाला था, उसके बाद इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने मज़ीद इसमें 1/2 कप मिल्क और शामिल कर दिया। इसके बाद मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपको केक रस्क में और भी येलो कलर ऐड करना हो तो आप स्टेज पे और भी येलो कलर ऐड कर सकते हैं। इधर मैं इसको डाल देती हूँ। मैंने क्या करा था, पैन को पहले से ग्रीस कर लिया था, उसमें बटर पेपर लाइन कर लिया था। अब मैं इसको टैप करके तो बेक करने रख देती हूँ। इतना ज़बरदस्त ये केक रेडी हुआ था, बिलीव में मेरा तो दिल ही नहीं जा रहा था कि मैं केक रस्क की रेसिपी आगे कंटिन्यू करूँ। सोच रही थी इसको ऐसे ही खा लेते हैं, और बच्चों ने काफ़ी सारे इसमें से निकाल के खा भी लिए थे जो मैंने पीसेस कट किए थे। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, और जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको अनमोल्ड कर देंगे। यहाँ मैं इसको अनमोल्ड कर देती हूँ। अब मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर देती हूँ और इसको कटिंग बोर्ड पर ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके पीसेस कट करूँगी। आप देख लें तो मैं इसके इस तरीके से पीसेस कट कर रही हूँ। ही ज़बरदस्त सॉफ्ट केक बना था ये एकदम। अब मैंने सारे पीसेस तरह काट लिए और मैं सेंटर में से इसको 3-3 हिस्सों में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ 2 भी कर सकते हैं, और इसके बाद हम इन पीसेस को भी थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, और उसके बाद मैं इसको एयर फ्रायर में बेक कर लूँगी। अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो कोई मसला नहीं, आप ओवन में रख सकते हैं। वो भी ना हो तो आप इसको तवे के ऊपर रख दें किसी प्लेट के ऊपर, और फिर आप इस तरह कर लें। नहीं तो जिस तरीके से मैंने इसको बेक किया था, आप उसी सांचे में इसको दोबारा से एक बार बेक कर लें, और फिर साइड चेंज करके दोबारा बेक कर लें। तवे पतीले में ही बहुत अच्छे हो जाते हैं, और अगर तवे पे करें तो कवर करके साइड टर्न कर देगा 5 मिनट बाद। इस तरीके से मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया था और इसको बेक कर लिया। मैंने इसको एयर फ्रायर में बेक किया था 175 पर जस्ट 5 मिनट्स। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची हो गए थे ये, साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साउंड भी आप फील कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची हमारे हो गए थे रेडी। इसको हमने चाय के साथ खूब इंजॉय किया। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत इजी और सिंपल से लगी होगी। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर लव वंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।